भोजपुर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखें। क्रांति जीविका महिला संकुल स्त्रीय संघ द्वारा आरा सदर अस्पताल परिसर में क्रांति दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया। दीदी की रसोई के माध्यम से अब मरीज के परिजनों को स्वादिष्ट भोजन 2400 घंटे प्राप्त होगा। मरीज के परिजनों को भोजन के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, आज सदर हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल लैब का और दीदी की रसोई का सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, और इसके बाद आज हम लोगों के यहाँ ये लैब काम करना भी सब रूप से फंक्शनल हो जाएंगी। मात्र यूज़र आईडी और इसका ज़रूरत है जिससे इसका रजिस्ट्रेशन हो सके। वो जैसे ही आएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेस्ट करना शुरू कर देंगे। सभी बाकी सुविधाएं यहाँ पर पूर्ण रूप से आ चुकी हैं। साथ ही साथ जो आप लोग देख रहे होंगे ऑक्सीजन की जो व्यवस्था करने के लिए जो प्लांट लगाना है उसका भी काम अंतिम चरण में है, और बहुत ही जल्दी हम लोग को ऑक्सीजन प्लांट भी उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन पर जो निर्भरता रहती है गैस सिलेंडर्स की वो समाप्त होगी। साथ ही साथ आज शाहपुर में भी जो हम लोगों का रेफरल नया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनी है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो इस तरह से लोगों के जो स्वास्थ्य को देखते हुए और जो संभावित अगर लहर आती है, अगला वेव आता है कोरोना का, तो हम लोगों की तैयारियाँ जो उसके हिसाब से हैं हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि टीकाकरण चल रहा है, लोग जितना ज़्यादा लोगों को टीका लगेगा तो हम लोगों को इसका जो संगीता है या जो इसकी कठिनाइयाँ जो हम लोगों को पहले झेलनी पड़ी थी वो इस बार। सर, जो गैस प्लांट बैठ रहा है उसमें सर कितना लीटर प्रोड्यूस गैस करने की क्षमता रहेगी? देखिए, 1000 LPM के हिसाब का प्लांट है जो कि करीब 50 से 100 बेड के आसपास के लोगों को केटर कर सकता है। सदर अस्पताल में? जी हाँ, ये उसका अनुमानित क्षमता इसका है, इसके हिसाब से प्लांट काम करेंगे। और सर, जगदीशपुर वाले? जगदीशपुर में 500 LPM का है, तो उसमें भी इस अनुपात में उसका 50% हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो भी अगर इसमें कमी भी होगी तो ये जो पुराना स्ट्रक्चर जो रहता है पाइप, गैस पाइप का, उससे हम लोग इसको पूर्ण कर लेंगे। तो ये कोई एक लिमिटिंग नहीं रहेगा, जो पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उसको सपोर्ट करने के लिए एक और चीज़ रहेगी, तो ताकि सब लोगों को बेहतर सुविधाएँ दी जाए। हाथों में लेकर मैंने सरकार जो आपके हाथों में दिया जीविका दी, ओके, एक रोजगार भी दिया, क्या बोलेंगे सरकार को? मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे जीवन में उजाला लेकर आए, हम लोगों को जीने का एक आधार मिला। और मैं जीविका का कोटि कोटि नमन करती हूँ। जीविका ही है हम लोगों को अंधकार से निकाल कर रोशनी में डाला।